जब आजकल इमरान खान का रोना धोना सुनती हूँ गुजरात वालों, जब मैं इसकी चीखों पुकार सुनती हूँ, तो मुझे बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं। आप सबको भी याद होगा अपना बचपन, और फिर अपना बचपन भी और अपने बच्चों का बचपन भी। जिस बच्चे ने इम्तिहान की तैयारी नहीं की होती, जिस बच्चे का सुबह पर्चा होता है, इम्तिहान देने जाना होता है, तो वो रात को माँ बाप के सामने क्या बहाना करता है? जब उसने कोई तैयारी नहीं की, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, आवारा गर्दी में जब वो बच्चे अपना वक्त जाया करते हैं, तो जिस रोज जिस रात को सुबह इम्तिहान होता है, उस रात को कहते हैं अम्मी मेरा पेट खराब हो गया, अम्मी मुझे बुखार हो गया, अब्बू मुझे जुकाम हो गया। और कुछ बच्चे कहते हैं हम बिस्तर से उठते हैं तो हमें चक्कर आ रहे हैं। बचपन के ये दिन याद है ना? इसी तरह गुजरात वालों, इमरान खान भी बिल्कुल वही बहाने कर रहा है, उसी तरह रो रहा है। पहले तो खेल कूद में टाइम जाया किया, 4 साल आवाम की खिदमत ले गफलत बरते रखी, और अब जब सर पे इम्तिहान का टाइम आया, तो पहले तो जी जाली खत आ गया, जाली खत के बयानिए की मौत हो गई, तो फिर बैनुल अक्वामी साजिश आ गई, बैनुल अक्वामी साजिश भी बुरी तरह पिट गई, झूठा साबित हुआ, तो फिर कहता है रात को बहाने बाजों की तरह कहता है अवाम की हमदर्दियां समेटने के लिए एक और झूठ गढ़ के ले आया, कहता है पाकिस्तानियों मेरी जान को खतरा है, जब तक तुम हुकूमत में थे कुर्सी पर बैठे रहे, अवाम पर क्यामत तोड़ते रहे, तब तक ना कोई खत था, ना कोई साजिश थी, और ना तुम्हारी जान को खतरा था। आज जब अवाम तुमसे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मांगती है, गुजरात की अवाम जब तुमसे तुम्हारी 4 साल की कारकर्दगी का हिसाब मांगती है, तो तुम्हारा दामन खाली है। इतने इसने जलसे किए गुजरात वालों, इसने इतने जलसे किए, इतनी तकरीरें की कि कौम के सर में दर्द हो गया। लेकिन कि क्या किसी एक जलसे में भी इसने 1 मिनट भी कौम को बताया कि मेरी कारकर्दगी क्या है? बोलो, कैसे बताता? कारकर्दगी सिफर। क्या है कारकर्दगी? कारकर्दगी जीरो, ZERO, बोलो जीरो। और जब कारकर्दगी जीरो होती है, तो ये झूठे मूठे बच्चों वाले ड्रामे तो करने पड़ते हैं ना। खान साहब, आप कहते हैं कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करा के रख दी है, जिसमें आपने बताया है कि कौन कौन आपके कत्ल की साजिश में शामिल है, तो खान साहब अल्लाह ना करे हम अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी मौत की दुआ नहीं करते। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो।
अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो और देख के लोट पोट होते रहो, अल्लाह करे तुम जिंदा रहो। और मैं राणा सलाउल्लाह साहब को कहती हूँ कि राणा सलाउल्लाह साहब इमरान खान से कहें कि किसी हादसे का इंतजार न करें, अगर वीडियो है तो सामने लाए। राणा सलाउल्लाह साहब को कहती हूँ कि वो वीडियो इससे मंगवाएं। और फिर अव्वल तो ये उसके सब झूठों की तरह एक सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन तुम वीडियो सामने लाओ, किसी हादसे का इंतजार ना करो। हादसे के बाद वीडियो नहीं लाते, हादसे से पहले वीडियो सामने लाई जाती है। और अगर तुम्हारे पास वीडियो है तो तुम लेकर आओ, मैं तुम्हें जमानत देती हूं कि तुम फिर नवाज शरीफ की बड़ा दिल देखना और नवाज शरीफ का जर्फ देखना कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा तुम्हें सिक्योरिटी देगा। जिसका तुम पंखा बंद करते थे, जिसका तुम अमेरिका में जाके मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं जेल से नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा, फिर तुम देखना कि तुम्हारी हिफाजत के लिए नवाज शरीफ दिन रात एक कर देगा। क्योंकि ये वही नवाज शरीफ है जिसके खिलाफ तुम 2013 में कंटेनर से गालियां देते देते जमीन पर गिर जा पड़े थे। ये वही नवाज शरीफ है जिसने तुमसे गालियां भी सुनी, लेकिन अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको रोक कर वो अस्पताल में तुम्हारी खबर पूछने गया। शर्म है तुम्हारे में? और तुम कहते हो ये झूठा शख्स अपने झूठों की तमाम हदें अबूर कर गया है, ये अल्लाह ताला से डरता नहीं है, अल्लाह ताला ने इसको जलील करके इसके अपने लोगों के हाथों इक्तदार से निकाला। मगर आज मैं, मुझे अभी कोई दिखा रहा था कि कह रहा था खाने में कोई ऐसी चीज मिलाई जाती है जो जहर होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जान ले लेता है। तो इमरान खान, मैं तुम्हें पूरी कौम को गवाह बना के याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी तो तुमसे वो हिसाब बाकी है कि तुम तो अपने घर से खाना खाते हो ना, तुम्हारे खाने में अगर कोई जहर मिलाएगा तो तुम्हारा खानदान वाला या तुम्हारा किचन वाला होगा। नवाज शरीफ को तुमने कोर्ट लखपत जेल और नैब की कैद में क्या किया कि नवाज शरीफ एक रात में उसके प्लेटलेट्स इतने गिर गए कि उसको जिंदगी मौत की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। और नवाज शरीफ अपने घर से खाना नहीं खाता था, नवाज शरीफ का खाना इमरान खान की तरफ से आता था। गुजरात वालों, अभी तो ये हिसाब किताब बाकी है कि नवाज शरीफ को इमरान खान की जेल में, नवाज शरीफ को इमरान खान की जेल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में किसने पहुंचाया। और जो शख्स खुद ऐसी हरकतें करता है तो उसको लगता है कि दूसरे भी मेरे जैसे होंगे। इमरान खान, कहां तुम कम जर्फ झूठे और कहां आला जर्फ नवाज शरीफ। और गुजरात वालों, तुम लोग 2-3 दिन से इमरान की तकरीरें सुन रहे होगे, मैं भी इसकी तकरीर बड़ी मुसीबत से सुनती हूं, देखती हूं इसने क्या झूठ बोला है। इसने कोई ट्वीट्स भी की महंगाई के बारे में और डॉलर के ऊपर जाने के बारे में, तो मुबारक हो गुजरात वालों, 4 साल बाद इमरान की खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है। मुबारक हो गुजरात वालों और पाकिस्तान के लोगों,
कि 4 साल से जो जमीर कंबल लेकर सोया हुआ था वो जमीर अचानक जाग गया है। मैं ये पूछती हूं, इमरान खान, कौम तुमसे पूछती है कि तुम्हें आज डॉलर बढ़ता हुआ याद आ गया? तो जब डॉलर नवाज शरीफ के वक्त में 105 से तुमने 190 तक पहुंचा दिया था, उस वक्त तुम्हारा जमीर कौन से कोमे में था? नवाज शरीफ के दौर के 35 रुपए किलो आटे को जब तुमने 80 रुपए पे पहुंचा दिया था, तुम्हारा जमीर उस वक्त कौन से कोमा में सोया पड़ा था? नवाज शरीफ के दौर की 55 रुपए किलो चीनी को जब तुमने 120 पर पहुंचा दिया, तो उस वक्त तुम्हारा जमीर कहां बनी गाला में सोया पड़ा था? उस वक्त तो तुम लोगों को कहते थे कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो मैं तो अचानक सो के उठा तो मुझे तो टीवी से पता चला कि डॉलर का रेट ऊपर चला गया। गुजरात वालों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये नौजवान खड़े, मुझे बताओ, महंगाई करने वाला आज कह रहा है कि महंगाई हो गई? इसको ये पता नहीं है, इसको ये पता नहीं है कि जब ये कहता है महंगाई हो गई तो ये अपने खिलाफ चार्जशीट पेश करता है, जब ये कहता है डॉलर ऊपर चला गया तो ये अपने खिलाफ चार्जशीट पेश करता है, जब ये कहता है कि मईशत तबाह हो गई तो ये अपने खिलाफ चार्जशीट पेश करता है। मुझे बताओ, सवाल 4 साल के हुक्मरान से होगा या 4 हफ्ते की आई हुई हुकूमत से होगा? गुजरात वालों, ये बारूदी सुरंगें बिछाकर गया है मईशत के हवाले से, ये पाकिस्तान की मईशत में लैंड माइंस बिछाकर गया है, ये इतना नालायक और नाअहल था कि ये पाकिस्तान की मईशत को जाते जाते वेंटिलेटर पे डाल गया है। लेकिन गुजरात वालों, मैं आपको हाथ उठा के गवाह कर कहती हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इमरान खान की ये कोशिश है कि अपने 4 साल बदतरीन कारकर्दगी को वो मुस्लिम लीग नून के सर पे डाल जाएगा, तो याद रखना, मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। एक और लतीफा सुनो इमरान खान का, कहता है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, तो इमरान खान तुम्हारी चीखें बता रही हैं, तुम्हारा रोना बता रहा है, तुम्हारा पीटना बता रहा है कि तुमने एस्टेब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है, जिस फोन पर तुम फोन कर रहे हो, जिस नंबर पे तुम फोन कर रहे हो, वो नंबर बदल गया है। जब तुम उस नंबर पे फोन करते हो तो आगे से आवाज आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मयसर नहीं है। और अभी तो आवाम में जाएंगे इलेक्शन में, आवाम से वोट मांगोगे तो आवाज आएगी रॉन्ग नंबर। क्या आवाज आएगी? आवाम से जब ये वोट मांगने जाएगा, क्या आवाज आएगी? शाबाश।
भाई इतना ही इलेक्शन इलेक्शन का शौक था, तो आखिरी दिनों में अपनी हुकूमत के जब तुम्हें नजर आ गया था कि तुम्हारी कुर्सी खिसक रही है, तो बजाय इसके कि इत्तेहादियों की मिन्नतें करते, उनके कदमों में जाके बैठते, उनको मनाते कि अल्लाह का वास्ता मेरी हुकूमत ना गिराओ, तुम तो मिन्नतें करते रहे, तो उस वक्त करना था ना इलेक्शन कॉल। इलेक्शन में जाने का इतना शौक था, तो तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी से पहले तुम कहते कि मैं इलेक्शन में जा रहा हूं, लेकिन इलेक्शन इलेक्शन सब तुम्हारा ड्रामा है। असल में ये है कि तुम्हारा कारकर्दगी का जो कागज है वो बिल्कुल खाली है, और मैं तुम्हें अब बता दूं कि तुम्हारे हाथ से गेम हमेशा के लिए निकल चुकी है। इमरान खान, तुम्हारा खेल इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म शोद। अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब तुम सिर्फ नवाज शरीफ के मुंह की तरफ देखोगे, अब तुम सिर्फ अब जो करना है वो लतीफा सुना है ना गुजरात वालों, वो लतीफा सुना है ना कि हम जो करना है शेर ने करना है। नवाज शरीफ इलेक्शन से नहीं डरता, गुजरात गवाह है कि इमरान खान की जालिम हुकूमत में होने के बावजूद, इसकी धांधली के बावजूद 16 में से 15 इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। अल्लाह ताला के फजल से नून लीग तब भी जीत गई थी, और अपनी हुकूमत होने के बावजूद इसको इलेक्शन याद है, 10 का इलेक्शन, इसको नवाज शरीफ को तमाम तर धांधली के बावजूद, इसको नवाज शरीफ को तब भी हराने के लिए डब्बे चोरी करवाने पड़ते थे और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करवाना पड़ता था। तो नवाज शरीफ ने तुम्हें वहां जाके मारा लंदन से बैठ के कि तुम कभी एक जलसा करते हो कभी दूसरा जलसा करते हो। नवाज शरीफ ने तुम्हें 4 साल के इक्तदार के बाद फिर कंटेनर पे पहुंचा दिया, और ना सिर्फ ये कि मुल्क और कौम की खातिर आपको इस अजाब से इस नहुसत से बचाने की खातिर नवाज शरीफ ने ना इसको हुकूमत से सिर्फ नहीं निकाला, नवाज शरीफ ने इसको मौका दिया कि ये हुकूमत से निकलने के बाद अपने आप को एक्सपोज कर ले, और इमरान खान ने वही किया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, बल्कि कुल्हाड़ा चला दिया। अब इलेक्शन कब होंगे गुजरात वालों सुन लो, अब इलेक्शन तब होंगे जब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। तुम कहते हो कि हुकूमत और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के पास लंदन क्यों गया, तो इमरान खान कान खोल के सुन लो, नवाज शरीफ जब अडियाला में था, नवाज शरीफ जब लांडी जेल में था, नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में था, नवाज शरीफ मुशर्रफ की कैद में अटक में था, या नवाज शरीफ लंदन में हो, नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से हर दफा पाकिस्तान की आवाम और सियासत का महवर होता है। नवाज शरीफ जहां भी हो वो नवाज शरीफ होता है, और ना सिर्फ ये कि कौम की सियासत का, पाकिस्तान की सियासत का, अवाम की सियासत का, गुजरात की सियासत का मेवर नवाज शरीफ है, बल्कि इमरान खान चाहे तुम कंटेनर में हो या वजारत उज़्मा के ऑफिस में हो, तुम्हारी सियासत का मेवर भी हमेशा नवाज शरीफ होता है। और आखिर में
आखिर में इस तोशाखाना चोर, बेतरल माल चोर। चार साल में पता नहीं ऐसी कौन सी जादू की चाबी घुमाई कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तो गरीब से गरीब हो गए, और फरा खान और इसकी काबीना के तमाम अरकान अमीर हो गए। तो फिक्र ना करो, हिसाब तो देना पड़ेगा गुजरात वालों, हिसाब लेके छोड़ना। और फिर आखिर में एक बात सुन लो, आखिर में कल कहता है कि मुझे इक्तदार में निकाला और ये लोग आ गए, इससे अच्छा था कि पाकिस्तान को एटम बॉम्ब पाकिस्तान पर फेंक देते। शर्म करो इमरान खान, ये दुनिया का वाहिद आदमी है जो कहता है अगर मुझे हुकूमत से निकाला तो फिर पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब फेंक दो। तुम पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब फेंको या पागल खाने जाकर दाखिल हो जाओ, जब तक पाकिस्तान के पास नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान मौजूद हैं जो अपने ऊपर रिस्क लेकर भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करेगा, पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आएगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगा ता कयामत रहेगा इंशाअल्लाह। और इस पाकिस्तान पर, इसकी सलामती पर इमरान खान जैसे हजारों साजिशी और जोकर कुर्बान। गुजरात वालों, गुजरात जिंदाबाद, गुजरात के लोग जिंदाबाद, कोटला जिंदाबाद, नवाज शरीफ। मजा नहीं आया, लंदन आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और आखिर में इतना बड़ा नारा लगा दो कि इमरान खान जैसे लोग जो कहते हैं कि मैं नहीं रहा तो पाकिस्तान पर एटम बॉम्ब से हमला कर दो, पाकिस्तान। आज मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा, मेरा भाई चौधरी आबिद रजा, जाफर इकबाल साहब, ताहिरुल मुल्क साहब, मैं कोटला के नौजवानों, बुजुर्गों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से प्यार करने वालों, जहां पर 4 साल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने सख्तियां, जेलें, कैद सही, लेकिन आबिद रजा साहब जो सख्तियां, जो झूठे पर्चे बिलखसूस कोटला और गुजरात के मुस्लिम लीग के शहरों पर जो जुल्म ढाए गए, आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर, ये इन लोगों का जोश और जज्बा मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि कोटला वालों, आज आपने इतना प्यार दिया है कि आपने अपने प्यार से हमजा शहबाज को खरीद लिया है। आज और मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों,
इज्जत अल्लाह ताला देता है। और मैं रोज रब ताला से दुआ करता हूं कि ये अल्लाह का करम है, मेरे कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने यही सिखाया है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करो। अल्लाह कहता है कि जो मेरी मखलूक की खिदमत करता है और जो मेरी मखलूक से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। तो कोटला के भाइयों, ये इमरान नियाज़ी जिस बुज़दिल का नाम है, ये कभी साजिश का रोना रोता है और कभी कहता है मेरी जान को खतरा है। इमरान नियाज़ी, तुम आवाम को धोखा दे रहे हो। ये नौजवान इस बात के गवाह हैं कि तुमने इन नौजवानों को झूठे ख्वाब दिखाए कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये माओं के बच्चे जिनको माँ बाप ने पेट काट कर पढ़ाया लिखाया, इनको 1 करोड़ नौकरियां तो ना दे सका, लेकिन इमरान नियाज़ी ने लाखों नौजवानों की नौकरियां छीन ली। लाखों लोग इसके दौर में बेरोजगार हुए। और कोटला के बुजुर्गों भाइयों, ये रियासत मदीना का नाम लेता है, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या रियासत मदीना में गरीब का झोंपड़ा, गरीब का ठेला गिराया जाता था और अपने बनी गाला के नाजायज तजावजात को रेगुलराइज कराया जाता था? ये कहता था। आज मैं कोटला की आवाम के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की अदलिया से मुखातिब हूं, पाकिस्तान की फौज से मुखातिब हूं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूं, बिलखसूस पाकिस्तानी आवाम से मुखातिब हूं। मैं सियासी वर्कर हूं और यहां पर सब सियासी लोग बैठे हैं। मैं आज ये खुला पैगाम देना चाहता हूं कि इसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। इमरान नियाज़ी, तुमने तो खुदकुशी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के गरीबों ने अपने बच्चों की भूख देखकर खुदकुशियां की। तुमने इस मुल्क को 5.8% की ग्रोथ रेट पर तरक्की कर रहा था, तुमने उसको -0.0% में इस मईशत को डबो दिया। तो आज पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये वज़ीर-ए-आला का ओहदा हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मेरा ईमान है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है, ये कायम और दायम रहेगा। तो आज इस झूठे इमरान नियाज़ी से, इस ढोंगी से, इस शोबदाबाज से जिसने 4 साल गरीब आदमी का खून चूसा और आज भी पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर रहा है, झूठी साजिश का रोना रोता है, इदारों को बदनाम कर रहा है, अगर आज
इस इमरान न्याजी का बंदोबस्त ना किया तो खुदा न खास्ता ये फितना पाकिस्तान के अमन को खा जाएगा, पाकिस्तान की रही सही मईशत को खा जाएगा। और इमरान न्याजी सुन लो, तुम साजिश करने वाले तुम हो जिसने इस सूबे में उस्मान बुज़दार नामी शख्स को 1.12 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला बनाया। और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये जब अमेरिका से आया तो कहा कि मैं कश्मीर का तर्जुमान बनूंगा दुनिया में, कहा मैं पाकिस्तान का तर्जुमान बनूंगा। ये ना कश्मीर का तर्जुमान बन सका, ये ना पाकिस्तान का तर्जुमान बन सका। हाँ, ये तर्जुमान बना तो फरा गोगी का तर्जुमान बना जिसने पंजाब को लूटा। और मैं हमेशा कहता हूं कि तुमने शरीफ खानदान को जेलों में डाला, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, और जिसे अल्लाह इज्जत देता है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। तो उस रब का शुक्र अदा करता हूं कि तुमने 4 सालों में एक ही काम किया कि शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन ढूंढ के लाओ। तुम उल्टे हो गए इमरान न्याजी, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने अवाम को दिखा दिया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सेवा खदमत है। उन्होंने अरबों रुपए की डेवलपमेंट की, तुम उल्टे हो गए, एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके। कि 1.5 महीना इस सूबे का कोई वजीर आला नहीं था, और आज 1.5 महीने से ऊपर हुआ चाहता है कि कोई काबीना नहीं है मेरे पास। लेकिन इमरान न्याजी कान खोल कर सुन लो, इस आवाम को जो आज जाग रही है बताना चाहता हूं कि मैं माफिया का रोना रही रहूंगा। माफिया तो इमरान न्याजी की छतरी के नीचे बैठकर पाकिस्तानी आवाम का खून चूसते थे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आज 1.25 महीने बाद पंजाब की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई काबीना नहीं है, लेकिन मैं आवाम को जिनकी रातों की नींदें महंगाई ने हराम करती हैं, कोटला के नौजवानों सुन लो, काबीना हो ना हो, कोई और चीज हो ना हो, इंशाअल्लाह ताला मैंने इरादा किया है कि चीनी जो 100 रुपए से ज्यादा तजावुज कर गई थी उसको 70 रुपए किलो लेके आऊंगा। और इंशाल्लाह तुमने इमरान न्याजी इस सूबे में गंदम जरूरत से ज्यादा होती थी, तुमने बुजुर्गों को माओं को बहनों को 20-20 किलो आटे के लिए लाइनों में लगाया। मेरे कोटला के बुजुर्गों, इंशाल्लाह ताला परसों आपसे खिताब करूंगा और आटे को इंशाल्लाह पूरे सूबे की आवाम के लिए इतना सस्ता करेंगे कि जिस तरह आपने आज मेरा दिल खुश किया पंजाब की आवाम। इंशाल्लाह घी जो आम आदमी के किचन की आइटम है उसको भी हम सस्ता करने जा रहे हैं। और सुनो, ये तो रियासत मदीना का नारा लगाकर तोशा खाने में हिसाब देने से छुपता है, 2 करोड़ या चंद लाख की घड़ी खरीद कर 14 करोड़ में बेच देता है, इसको शर्म नहीं आती। फॉरेन फंडिंग के केस में
अपने टैक्स गोशवारे खुद छुपाता है और इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का हम पर लगाता है। सबसे बड़ा चोर तो इमरान नियाजी है, और जब मुझे पता लगा कि बहावलपुर के गोठों में, मुजफ्फरगढ़ में, रहीम यार खान में जानवर पानी से किल्लत की वजह से मर रहे हैं, तो मैं तो उनकी खाक पे बराबर नहीं हूं, लेकिन मुझे याद आ गया कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहा था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे कुत्ता भी मर गया तो क्यामत वाले दिन अल्लाह मुझसे हिसाब मांगेगा। मैं उनकी खाक के बराबर नहीं, लेकिन उसी जज्बे से मैंने खुर्शीद शाह साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा कमिश्नर भावलपुर को कि सियासत के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो बन पाए करो, वहाँ पानी पहुँचना चाहिए। जब सोशल मीडिया पर मैंने देखा दो दिनों में लोगों ने झोलियाँ उठाकर दुआएं दी कि हमजा शहबाज हम आपको दुआएं देते हैं, आज हमारे जानवर भी पानी पी रहे हैं। कोई बहादुर आदमी होता है वो कभी अपनी मौत का रोना रोंदा है? मौत वो कहते हैं, अब सुन लो, वो इमरान नियाजी ने कल कहा कि मुझे अपनी जान की फिक्र है, तो गालिब ने कहा है कि मौत का एक दिन मुहैया है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? काहे किस मुंह से जाओगे इमरान, शर्म तुमको मगर नहीं आती? इसको शर्म नहीं आती, इसको तकलीफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात के 12 बजे क्यों खुलते हैं, इसको तकलीफ होती है कि आईन और कानून की पासदारी के लिए जज रात को अदालतें उज़्मा के दरवाजे क्यों खोलते हैं, इसको तकलीफ होती है कि जब लोग इससे आलू और प्याज की रेट पूछते हैं, कहते मैं वज़ीर आज़म आलू ते प्याज सस्ता करने वास्ते नहीं बनया। और तू वज़ीर आज़म अगर आलू और प्याज सस्ता करने वास्ते बने थे, लुकाटा वेशन में से बनया भाई। इमरान नियाजी कान खोल के सुन लो, उस रब से मैं डर के कहता हूं हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी झूठों से तुम अगर इस मुल्क में फितना बपा करना चाहते हो, जहां पर आवाम के घरों में भूख है, जहां पर गरीब आदमी की मां दवाई को तरसती है, तुम रोज एक नया तमाशा लगाते हो, सुन लो, अगर पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के आईन की खातिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं ना, तो अगर तुम बाज ना है तो फिक्र ना करो, पाकिस्तान की आवाम की खातिर अगर जेलों के दरवाजे खोलने पड़े तो खोलेंगे तुम्हारे लिए। कोटला वालों, आपका प्यार मोहब्बत मेरा सरमाया है, आज भी मुझे आपकी तरह वजीर आला कहलाने से ज्यादा मुस्लिम लीग नून का कारकुन कहलाने में ज्यादा फख्र महसूस होता है। और यहां पर बुजुर्ग भी खड़े हैं, मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, दिन रात एक करूंगा, और जो दवाइयां सस्ती कैंसर के मरीजों के लिए, आम आदमी के लिए इस इमरान नियाजी ने बंद कर दी थी, जो डायलिसिस के लिए लोग धक्के खाते थे, अल्लाह ने चाहा तो हर अस्पताल में बहुत जल्द हम मुफ्त दवाइयां कैंसर की और मुफ्त दवाइयां मरीजों के लिए हम आवाम को देंगे इंशाअल्लाह। मुझे
अभी आबे दर्दा साहब ने कहा है कोटला से दौलत नगर डबल रोड, क्या कह रहे हो कोटला वालों? आपके प्यार का तकाजा तो यह है कि कोटला से दौलत नगर और डबल रोड नहीं ट्रिपल रोड बननी चाहिए इंशाल्लाह। उसका आगाज जल्दी करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो वो डबल रोड जरूर बनेगी, क्योंकि आज मैं गुजरात के THQ हॉस्पिटल में गया, ICU में गया, वहाँ पर माएँ बहनें बुज़ुर्ग बीमार और दर्द में कराह रहे थे, उसमें से 80% लोगों ने कहा कि ये एक्सीडेंट से फौत हुए हैं। तो इंशाल्लाह सिटी डेवलपमेंट पैकेज के तहत सड़कों की तामीर करेंगे। और मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने सिखाया है कि बात वो करना जिस पे बाद में पहरा दे सको, सच्ची बात करना। तो अगर आप दादा साहब कोटला में डिग्री कॉलेज के लिए कानून हमें इजाज़त देता है तो इंशाल्लाह आगाज हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोटला में बनाकर करेंगे इंशाल्लाह। ये ठूठा राय बहादुर कॉलेज है, ये ठूठा राय बहादुर का नाम ही मैं हमेशा याद रहेगा। तो आज मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों से, अदरिया से और सियासी जमातों से कहा है कि हमें इस मुल्क का सोचना होगा। सियासत बात की बात है, पहले इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की डूबती हुई मईशत को बचाना है। अखलाकियात का जनाजा निकल गया, लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, इसका कसूरवार भी इमरान नियाजी है। तो इंशाल्लाह दिन रात एक करेंगे और अल्लाह को मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को कायद आजम का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। कोटला वालों आपने बहुत नारे लगाए, अब मेरे नारे का जवाब दो, तैयार हो? थक तो नहीं गए? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोटला के खजूर आवाम, पाकिस्तान। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, पाकिस्तान पाइंदा।